हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगिड। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, एनटीए का पेपर नंबर 18 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना चल रहा है। तो सबसे पहले इसके मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप जल्दी से उनके आंसर टिक कर लें, अपने अकॉर्डिंग रफ नोटबुक में लिख लें, उसके बाद अपन मैच करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन इनका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड जो इसका और अपने लिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज स्ट्रॉन्गली हीटेड द कंपाउंड ऑब्टेंड हीट ऑब्टेंड इज कॉपर नाइट्रेट। आपको पता है कॉपर नाइट्रेट क्या होता है, CuNO3+2 है, तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा। जैसे इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, एक कॉपर का ऑक्साइड प्लस NO2 गैस और साथ में O2 गैस। ठीक है, अब मैं एक बार आपको कंप्लीट इसकी एक थ्योरी बता देता हूँ नाइट्रेट्स की हीटिंग की। वैसे यहाँ से तो आपको क्लियर मिल गया होगा क्या मिलेगा, हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्लीट स्टोरी ये है, जैसे अगर एस ब्लॉक से बात करें, आपको पता है यहाँ पर एस ब्लॉक के अंदर क्या आता है, ली ना की रब सेफरिया और यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप पुराज। यहाँ पर मैं एक उल्टे एल का कंसेप्ट बताता हूँ। ये कंसेप्ट क्या है, जो एलिमेंट उल्टे एल पे आते हैं, इसके अलावा जैसे कॉपर हुआ आपका, पीबी हुआ, जेडन हुआ, ये और जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके नाइट्रेट्स को जब हीट करते हैं तो इन सभी के नाइट्रेट्स को हीट करने पर अपने को क्या मिलता है, एक तो उसका ऑक्साइड मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, और साथ में आपको NO2 गैस मिलेगी और साथ में O2 गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये उल्टे एल वाले और बाकी सब एलिमेंट। एक बात और भी है, इसका रीज़न क्या है, इनका जो फाइ कैटाइन होता है, ठीक है, जो इसका पॉजिटिव पावर होता है ऑक्सीजन के साथ, एफिनिटी को भी ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये इनका ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन को बड़ा आसानी से जोड़ देते। बाकी अपन बात करें बाकी एलिमेंट कौन बचे, बाकी एलिमेंट यहाँ पर जो है जैसे NaKRbCS, इनका जो फाई होता है कंपेरेटिव कम होता है, जब इनके नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो आपके पास NaNO3, इसको हीट करेंगे तो आपके पास मिलेगा मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में है कि Fe2S6 और Fe3N6 दोनों में डिफरेंस किसका है। डिफरेंस देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन से अगर आप चेक करना चाहें थोड़ा चेक कर सकते हैं, डिफरेंस ज्योमेट्री का है क्या, नहीं, दोनों की ऑक्टाइडल होगी क्योंकि 6-6 लिगेंड जुड़े हैं, तो दूसरा नहीं ए नहीं होगा। मैग्नेटिक मोमेंट एंड कलर ये बाद में देखते हैं। सी ज्योमेट्री तो दोनों की सेम ही रहेगी, तो ये भी नहीं होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट और कलर तो नो डाउट डिफरेंस ही रहता है, डिफरेंट ही रहता है। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। तो देखिए, फर्स्ट में क्या है, एक वीक लिगेंड है, सेकंड में क्या, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पहले वाले का रहेगा ज़्यादा। तो मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस आएगा और कलर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर का है। ये बोला हंट्स रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, इन दोनों को कौन कौन वायलेट कर रहा है। तो हंट्स रूल में क्या बोलते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भरा जाता है, तो ये हंट्स रूल के लिए ठीक है, ये हंट्स रूल के लिए ठीक है, ये हंट्स रूल के लिए ठीक नहीं है। तो मतलब यहाँ पर हंट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए, और यहाँ पर भी हंट्स का वायलेशन हो रहा है। पॉलीज एक्सक्लूजन रूल क्या बोलते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर पॉली को वायलेट कर रहा है और ये पॉली के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम स्पिन के साथ है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा इतना सिंपल कंसेप्ट है, मैंने बार बार आपको बताइए, आप चाहो तो POS से चेक कर लीजिए, सुपर इम्पोज करके देख लीजिए, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या होता है, मैंने एक की पॉइंट बताया हुआ है, जब भी आपको सिस मिले और इसमें दो बाइडेंटेड लिगेंड मिले तो पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें POS कभी हो ही नहीं सकता। ट्रांस ये इक्वली पार्ट में कट हो जाएगा, क्योंकि
इसमें दो जो दो जो दो लिगेंड्स हैं ये ई एन वाला इस तरीके से और ये मोनोडेंटेड, तो यहाँ से बीचों बीच कट हो जाएगा लेकिन डी ऑप्शन कट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका डी आ जाएगा। इसके बाद में है अनपेड इलेक्ट्रॉन, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एमओटी लगाओ बेटा, एमओटी आपको पता ही है कैसे चेक की जाती है, ठीक है, तो एमओटी में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ओ टू माइनस, क्योंकि इसका कॉन्फिग्रेशन क्या रहेगा, पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1, तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा बाकी किसी में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, द पेयर स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप्स, आइडेंटिकल शेप्स पूछिए अपने को, आइडेंटिकल शेप सीधी सी बात है बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालें उसकी शेप बनाएं, तो जो सेकंड ऑप्शन की बनाओ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है सेकंड ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन तो अलग अलग है लेकिन शेप दोनों की क्या है, लीनियर है, ठीक है, तो ऐसा ही पूछ सकता है, ये भी पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंट बट शेप में भी सेम, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट। इसमें देखिए आपको क्या पूछा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर लीचिंग विद CN-, तो ये लीचिंग या फिर केमिकल मेथड कंसंट्रेशन के अंदर अपन ने की थी, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक से ही आएगा, इसमें ऐसे किया था जैसे आपके पास AG2S मिला था, है आपके पास, इसकी रिएक्शन NaCN प्लस O2 के साथ करवाई थी, ये सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इसलिए इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स मिला था NaAgCN ट्वाइस, अब इसमें क्या डाला था ZN जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर क्या बना था Na2ZnCN4, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर हमें कैसे पता कितने इसके साथ लिगेंट्स जोड़ने, तो आपको पता है अगर मैं पहले बात करूँ कि इसकी AG की बात करता हूँ, AG की बात करूँ तो आपको पता है AG+1 में और प्लस वन में जनरली CN कितना होता है 2 होता है और यहाँ पर ZN+2 है और +2 के अंदर जनरली CN नंबर कितना होता है 4 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्साइड, कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, SiO2 क्या है एक ऑक्साइड है, CGM सुपर पोटेशियम वाला क्या होता है सुपर ऑक्साइड, कैसे पता चला, के पर प्लस चार्ज होता है तो O2 पर माइनस जाएगा, ये क्या है देख लीजिए अभी पता चल जाएगा, Ba2+ तो O2 2-, मतलब ये परऑक्साइड है, नेक्स्ट में कैसे पता चलेगा CS पर प्लस वन चार्ज O2 पर माइनस, तो इसका मतलब सुपर ऑक्साइड, तो ये डी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें क्या बोला है ट्रेंड बताना है, स्टेबिलिटी ट्रेंड या फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या फिर CFSE, तो इसमें कुछ एक रूल्स होते हैं, एक रूल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, अगर सब कुछ सेम हो लिगेंड CM सेंट्रल मेटल एटम सेम है तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होता है ठीक है ना ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी या फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा। दूसरा एक रूल और था, क्या था, जैसे अगर अपन 3D और 4D और 5D की कंपेरिजन करें तो स्टेबिलिटी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल टॉप टू बॉटम जाने पर मूव करता है। थर्ड अपने बात की थी क्या लिगेंड स्ट्रेंथ, जो लिगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा। उसके बाद में एक बात की थी किलेशन, जिसमें जितना ज़्यादा किलेटरिंग बनेंगे किलेशन बनेगा वो स्टेबिलिटी को उतना ही ज़्यादा शो करेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं अपन, देखिए क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन जो है CRMO, आपको पता करो मोबाइल वेस्ट इंडीज टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो CR से ज़्यादा स्टेबिलिटी MO की होनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें CR से ज़्यादा MO, तो अपना CD ठीक दिख रहा है। इसके बाद में टाइटेनियम +3 और +2 है तो आपको पता ये यहाँ पर सही है और ये गलत है क्योंकि इसमें +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज इन वाटर बॉडीज बिकॉज इट कॉजेज मेजर वाटर पोल्यूशन पीसेज इन सच पोल्यूटेंट वाटर डाई बिकॉज ऑफ, ठीक है ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको पानी में नहीं डालना चाहिए, इसे वाटर पोल्यूशन होने के साथ साथ जो अंदर की मछलियाँ होती है वो मर जाती है, मरती क्यों है गंदगी के कारण, नहीं
वो जो आप ऑर्गेनिक मटेरियल डाला है वो क्या करता है, पानी के अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है उसको फिनिश कर देता है। फिनिश करेगा तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो मृत्यु हो जाएगी। तो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर, समझ गए। दोबारा बताता हूँ, ऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है, ऑक्सीजन को यूज करेगा तो कम होगी, कम होगी तो वहाँ पर डेथ हो सकती है। अगला Pb+2Cu2+ZnNi2+ आयंस आर प्रेजेंट इन गिवन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग H2S गैस थ्रू दिस सॉल्यूशन द अवेलेबल प्रेसिपिटेट कंटेंट। अब देखिए आपको ये तो पता है H2S गैस पास करेंगे तो सल्फाइड तो सभी का ही बन सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है PbS भी होता है, Cu2S भी सुना आपने, ZnS भी सुना है, NiS भी सुना है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो PPT बनने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें जब अपन H2S गैस पास करवाते हैं तो ZnS और NiS इनका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। सोलिबिलिटी ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा तो ये सोलिबल ज़्यादा रहते हैं, सोलिबल ज़्यादा रहते हैं तो इनकी PPT आसानी से जल्दी नहीं बनेगी। तो PPT किसकी बनेगी, PbS और CuS की। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता भी है, जब अपन CuS और ZnS की सोलिबिलिटी कंपेरिजन करते हैं तो किसकी ज़्यादा होती है, ZnS की ज़्यादा होती है, मतलब CuS की PPT बनेगी, ZnS की नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट, आपको CO और CO प्लस के बीच में कंपेरिजन बताया नहीं है। यहाँ बोला गया है कि CO की बॉन्ड लेंथ ये है तो CO प्लस की क्या हो। अब देखो CO और CO प्लस की बात करते हैं तो CO से जब CO प्लस बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाता है तो उसके लिए जनरली ध्यान दीजिएगा, जनरली ये बताया जाता है कि उस वो एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात तो क्लियर है, जब भी कैटायन बनता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इसके अंदर से अगर अपन देखें तो एक तो ए ठीक लग रहा है, बी तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी इसने। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ CO to CO+ बॉन्ड लेंथ डज नॉट वेरी बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर रिमेन सेम, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज 115 एंड CO+ इज, ये भी गलत हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ CO to CO+ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो आपका ए सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करें वाटर के लिए क्या गलत है, ये एक बार पहले जेई मेन एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सटेंसिव इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड गलत बताना है, सही है क्या ये। H2O के अंदर जो होता है कंडेंस फेज के अंदर वो बेटा इंटरमोलिकुलर होता है, मतलब H2O अलग अलग होते हैं ना उनके बीच में एच बॉन्ड होता है, ना कि एक ही मोलिकुल, एक ही मोलिकुल के अंदर होता है वो इंट्रा होता है, तो यहाँ पर इंटर बोलना चाहिए था तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, आइस फॉर्म्स बाय हैवी वाटर सिंक्स इन नॉर्मल वाटर, सही है। जो आइस हैवी वाटर से बनी हुई है, मतलब जो D2O की आइस है वो पानी के अंदर तैरेगी या डूब जाएगी। नॉर्मली अपन कहते हैं आइस जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, क्यों, क्योंकि जो H2O की डेंसिटी कम होती है बर्फ़ के अंदर, आइस के अंदर, इसलिए तैरती रहती है। लेकिन ड्यूटेरियम का जो वाटर है, जो आइस है उसका वेट ज़्यादा होता है इसलिए उसके अंदर डूब जाती है, तो ये सही है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता है ये तो बायोलॉजी में आता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड एज बेस। H2O होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एसिड भी है, बेस भी है, एम्फोटेरिक भी है, और इनऑर्गेनिक में अपन इसको न्यूट्रल भी कंसिडर करते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डील कर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलिए इसका आंसर अपन कौन सा बोल देंगे, ए बोल देंगे। अगला क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट P4। P4 आपको पता है ये कैसे होता है, ये पी 6 PP बॉन्ड, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, एकदम सही। 4 पेयर, अरे ये गलती हो गया, 4 लोन पेयर, तो चारों फॉस्फोरस पर एक एक लोन पेयर रहता है, ये सही है। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, हाँ इस पर 60 डिग्री रहता है, इसलिए ये बोला जाता है कि जो फॉस्फोरस होता है बहुत रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। अब बात आ गई 60 डिग्री होने से रिएक्टिव कैसे हुआ इतना ज़्यादा, ये इसलिए हुआ क्योंकि SP3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है,
कम कर लो तो 100 तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब 60 डिग्री बना दिया मतलब 109 वाले को 60 डिग्री बना दिया, तो उस केस में जो एंगल स्ट्रेन होता है, जो कोण बॉन्ड एंगल का खिंचाव होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर फिनिश कर दिया। जैसे ये मैंने कंप्लीट किया था पेपर, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 14 थे, तो लगभग मेरे सारे सही हो गए थे, तो इसे 56 मार्क्स। ये यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, क्या सब्जेक्ट कितना टाइम इसमें दिया हुआ है, तो जो टाइम दिया गया है वो इतना कितना 7 मिनट के अराउंड पहले दिया था मैंने। और यहाँ पर क्या बताया गया है, कितने परसेंट करेक्ट हुआ है, तो मेरे 14 के 14 सही। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।